बालाघाट 1 अक्टूबर को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी के शुभारंभ अवसर पर जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद बालाघाट द्वारा मुक्की गेट पर जिप्सी ड्राइवरों, गाइडों एवं पर्यटकों को सैनिटाइजर मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र संचालक एसके सिंह, कलेक्टर डॉ. गिरीश मिश्रा, सीईओ विवेक कुमार उपस्थित रहे, जहां कोरोना गाइडलाइन कर सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखने की शपथ दिलाई एवं सभी से मास्क का अनिवार्य प्रयोग करने का आग्रह किया, ताकि सुरक्षित पर्यटन कराया जा सके और कोरोना से बचाव भी किया जा सके। मुक्की में नवनिर्मित भवन में मोरनी तेजस्वी स्व सहायता समूह द्वारा कैंटीन, सोवीनियर शॉप, सुलभ शौचालय तथा टिकट काउंटर का फील्ड डायरेक्टर सिंह द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर रिबन काट कर शुभारंभ किया गया, जिससे कान्हा मुक्की आने वाले पर्यटकों को और भी अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। शुभारंभ अवसर पर फील्ड डायरेक्टर एसके सिंह द्वारा बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में सुरक्षित पर्यटन के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए बालाघाट कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुक्की गेट से सफारी हेतु सारी टिकट पहले से बुक करा ली गई थी। पर्यटकों में भारी उत्साह व कोरोना गाइडलाइन का पालन करते देखा गया। पर्यटकों को हुए बाघ के दीदार, साथ ही बाइसन, हिरण, जंगली सुअर, बारा सिंघा, मोर आदि विभिन्न वन्य प्राणियों के दर्शन किए और प्राकृतिक नज़ारों का लुफ्त उठाया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से कान्हा नेशनल पार्क खोला गया है और हमें खुशी है कि इस पहले दिन ही हमारी जितनी भी राइड हैं, दो जोन खोले गए हैं मुक्की और किसली, उसमें पूरी संख्या में बुकिंग हो गई है और पर्यटकों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ ही हमें पर्यटकों के स्वास्थ्य और पार्क के स्वास्थ्य को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का उपयोग करने की भी ज़रूरत है, जिसमें सभी टूरिस्ट को और उनके साथ जाने वाले गाइडों को सचेत किया गया है। इस अवसर पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल को, जिन्होंने सभी गाइड और ड्राइवर्स के साथ साथ टूरिस्ट को भी आवश्यकता अनुसार मास्क वितरण किए, जो हमारे लिए एक विशेष अवसर था। और मैं टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल बालाघाट को धन्यवाद भी देता हूं और आशा करता हूं कि उनका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा और इस क्षेत्र में बालाघाट से लगे, कान्हा से लगे हुए क्षेत्र में बालाघाट जिले के जो हिस्से आते हैं उसमें टूरिज्म की और भी गतिविधियाँ बढ़ाने में टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल हमें सहयोग देगी। सर, आज से कान्हा में पर्यटन चालू हुआ है, सर सफारी चालू हुई है, बताएं सर। 1 अक्टूबर से हर एक साल इसका शुभारंभ किया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोगों ने वहाँ पे कोविड के प्रोटोकॉल को लेके विशेष रूप से ध्यान दिया है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि बालाघाट और फिर विशेषकर कान्हा का जो पर्यटन है वो प्रदेश, देश और फिर विश्व तक पहुँचे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ पाएँ। तो इसी के तारतम्य में हम लोगों ने वहाँ पे सैनिटाइज़र, मास्क, ये सबका भी वितरण किया है। तो आप लोग सभी कान्हा में आइए और फिर यहाँ पे जो भी प्रकृति है उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।